गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास फिफ्थ संस्कृत सुधा इसका लेसन सिक्स रीड करा रही हूँ बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान से पहले मैं लेसन रीड करूँगी, उसके बाद मैं आप सभी को इसकी एक्सरसाइज कराऊँगी। तो देखिए यह है लेसन सिक्स, षष्ठ पाठ, पाठ छः। त्वम अहम, त्वम मीन्स तुम, अहम मीन्स मैं। तो बच्चों ने जाना आपने लेसन का नेम क्या है, त्वम अहम, तुम और मैं, तुम और मैं। यस। विवेक, मम नाम विवेक अस्ति, तव नाम किम अस्ति। विवेक बोलता है मेरा नाम विवेक है, तब नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। चेतना, मम नाम चेतना अस्ति, मेरा नाम चेतना है, मेरा नाम चेतना है। विवेक, किम त्वम प्रातः खेलसी, क्या तुम सवेरे खेलती हो। चेतना, नहीं अहम सायं खेलामि, नहीं मैं शाम को खेलती हूँ, शाम के समय खेलती हूँ। ठीक है। विवेक ने पूछा कि क्या तुम सवेरे खेलती हो, तब चेतना ने क्या आंसर दिया, नहीं मैं शाम के समय खेलती हूँ। विवेक, फिर विवेक प्रश्न करता है, तुम कदा विद्यालय गृह कार्यम करोषि, तुम कब विद्यालय का गृह कार्य करती हो। चेतना आंसर देती है, उत्तर देती है, अहम प्रातः विद्यालय गृह कार्यम करोमि, मैं सवेरे विद्यालय का गृह कार्य करती हूँ। तुम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। अब विवेक आंसर देता है बेटा, विवेक उत्तर देता है, अहम प्रातः पठामि लिखामि खेलामि च, मैं सवेरे पढ़ता हूँ लिखता हूँ और खेलता हूँ। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं प्रातः सवेरे पढ़ता लिखता और खेलता हूँ। त्वम कुत्र गच्छसि, अब विवेक फिर प्रश्न करता है, तुम कहाँ जाती हो। चेतना उत्तर देती है, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। विवेक फिर प्रश्न करता है, किम त्वम तत्र निवससि, क्या तुम, त्वम मीन्स तुम, क्या तुम वहाँ रहती हो। चेतना, नहीं अहम तत्र न निवसामि, अहम तत्र पठामि, नहीं मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, मैं वहाँ पढ़ती हूँ। चेतना ने क्या उत्तर दिया बच्चों, नहीं मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, मैं वहाँ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसके वर्ड मीनिंग आप सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे और लेसन की हिंदी मीनिंग भी आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज देखिए, नंबर वन अभ्यास एक्सरसाइज, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित पदों द्वारा अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ड दिए हैं, अहम और त्वम, मैं और तुम। तो पठसी है, पठसी के साथ क्या आएगा बच्चों, त्वम, त्वम पठसी। गच्छामि, गच्छामि के साथ क्या आएगा हेल्पिंग वर्ड, अहम। निवससी, निवससी के साथ क्या आएगा, त्वम। हससी, हससी के साथ क्या आएगा बच्चों, त्वम। ठीक है। खेलामि, जहाँ पर भी मी आएगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ड क्या आएगा, अहम। अहम आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये अहम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टू, रेखांकित पद शुद्ध कीजिए, आपको हमको शुद्ध करना है। तो अहम तत्र पठसी, अब यहाँ अहम के साथ क्या आता है, मी, तो ये आपका रॉन्ग है। तो क्या आएगा इसकी जगह, पठामि। ठीक है, पठामि। त्वम कुत्र पठती, पठती नहीं आता है, त्वम के साथ क्या आता है, सी, तो क्या हो जाएगा, धातु हमारी है पठ, पठ मीन्स पढ़ना, पठ के साथ सी, पठसी। नेक्स्ट, सह कुत्र गच्छसी, वह कहाँ जाता है, तो आपको क्या करना है, गच्छसी की जगह पर क्या लिखना है, गच्छति। ठीक है, ये आपका सही वर्ड है। अहम तत्र गच्छसी,
गच्छति, सॉरी, तो गच्छति की जगह आएगा गच्छामि। मैंने आप सभी को अभी बताया एम के साथ क्या आता है, मी, तो गच्छामि। त्वम अत्र गच्छामि, त्वम के साथ क्या आता है बच्चों, सी, तो क्या आ जाएगा, गच्छसि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। अब रिक्त स्थान, स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्वम पठ, त्वम लिख, इसके साथ क्या आएगा बच्चों, अभी मैंने बताया त्वम के साथ क्या आता है, सी, तो त्वम लिखसि, त्वम वदसि। यहाँ पर आप सभी को इन्होंने जो धातुएं हैं वो दे रखी हैं, लिख मीन्स लिखना, बद बोलना, हस हंसना, इनके साथ आप सभी को सी लगाना है। त्वम हससी, त्वम चलसी, त्वम पचसी। ठीक है, ये आपका नंबर वन हो गया। नंबर टू, अहम पठामी, तो अहम लिखामी, अहम बदामी, अहम हसामी, अहम चलामी, अहम पचामी। ठीक है, नेक्स्ट मैचिंग है आपके, तो मैचिंग में आप सभी को देखिए देख लिखा है इसमें, अहम पठामी, अब पठामी कहाँ है, ये बच्चा पढ़ रहा है देखिए, तो नंबर वन यहाँ आ जाएगा। त्वम लिखसी, तुम लिखते हो, तो बच्चा कहाँ लिख रहा है, ये देखिए ये बच्ची लिख रही है, तो त्वम लिखसी, तुम लिखती हो। त्वम पश्यसी, पश्य मीन्स देखना, तो ये चित्र देख रही है, तो यहाँ आ जाएगा नंबर थ्री। अहम पचामी, मैं पकाती हूँ, तो ये माँ पका रही हैं। और त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो, तो ये बच्चों क्या आ गए, बच्चा खेल रहा है, तो त्वम खेलसी। इस प्रकार आपके नंबर्स आ जाएंगे 3, 4, 5, 2, 1, ये आपके मैचिंग नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है। इसके बाद लेसन 7 मैं आपको कराऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लेसन 6 की रिवाइज कीजिए और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लेसन को याद कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।